हेलो गाइज़, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होता है कैसे किया जाता है, क्या ये एनेस्थेसिया देके किया जाता है, नॉर्मली किया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, पहले भी मुझे कमेंट आ रहा था, लेकिन मैं इसलिए ये टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही थी। मैं सोच रही थी मेरा जब हो जाएगा तब मैं ये टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आ रही हूँ आप लोगों को कैसे होता है ये। बिल्कुल भी कोई एनेस्थेसिया प्रोसेस नहीं होता है। 99.9% जो महिलाओं का ये एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता है। हो सकता है 1% जो है उनका कुछ मेडिकल हिस्ट्री के वजह से दिया जा सकता है, बट जो 99.9% है इनको एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता है। पूरा होशो हवास में ही आपको एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे आपको IUI प्रोसेस होता है वैसे ही आपका एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र किया जाता है। और वहाँ पर उन लोग का मॉनिटर रहता है, मॉनिटर जैसा वहाँ पे आपको दिखाया जाता है, वहाँ पे आप लोग को दिखाया जाता है ये आपका यूट्रस है, यहाँ पे एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता है, ना ही ये पेनफुल होता है, ये लाइट पेन होता है, ये आप सह लोगे, इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, ना ही ये कोई टेंशन लेने वाली बात होता है। तो अगर आपका भी एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र होने वाला है तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरा फ्री होके जाइए, माइंड फ्री रखे, भगवान से प्रे करके जाइए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, ज़रूर आपका सक्सेस होगा। क्यों नहीं होगा, बहुत सारा लेडीज़ जो है उनका IVF सक्सेस हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं होगा। ये जो हिम्मत होता है मन में रख के जाइए, ये कॉन्फिडेंस आपका मन में होना चाहिए, ये पॉजिटिविटी आपका मन में ज़रूर होना चाहिए, आप ध्यान रखिए कि। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।